हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसे गई आपकी लोहड़ी, और लोहड़ी का सेलिब्रेशन कैसे किया आप सबने, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज आपने टॉपिक देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे बिग बॉस, बिग बॉस के बारे में। मुनव्वर की शायरी, विक्की भैया की स्ट्रैटेजी, कभी चल रहा है प्यार तो कभी हो रही है तकरार। तो कौन होगा बिग बॉस का इस बार का विनर, इसके लिए हमने एक पॉडकास्ट रखा है। स्टार्ट करते हैं उनके साथ बातचीत, देखते हैं उनकी क्या राय है इस बिग बॉस, इस बार के बिग बॉस के बारे में। आइए मिलाते हैं। मेरे हिसाब से इस बार का बिग बॉस का विनर है अभिषेक, क्योंकि अभिषेक जिस हिसाब से खेल रहा है, इमोशंस, फाइटिंग स्पिरिट और एक इनोसेंस जो लेके चल रहा है, तो आई थिंक सो कि हर बार की तरह जैसा बिग बॉस का एक विनर चुना जाता है, उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अभिषेक में, जो एक बिग बॉस बनने की में होने चाहिए। आपकी क्या राय है, बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है जो अब तक बचे हुए हैं उस घर में? मेरे हिसाब से मुनव्वर है। बेचारे की मुनव्वर, गर्लफ्रेंड ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, जो कि बहुत ही इंसल्ट हुई है उसके बिग बॉस में। वह बेचारा ऐसा नहीं है। मैं मुनव्वर को वोट करूंगी, सपोर्ट करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मुनव्वर ही विनर बने, क्योंकि उसने अब इस शो में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। जैसा कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो कि भारत की जनता अभिषेक और मुनव्वर को लेके चर्चा में है कि दोनों में से बिग बॉस का विनर एक होगा। टॉप थ्री की बात करते हैं, टॉप फाइव की नहीं, टॉप थ्री की बात करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मनारा चोपड़ा, मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार जो हैं थ्री, टॉप थ्री में जाएंगे। आप टॉप थ्री में किसको देखते हैं? इन दोनों के अलावा थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? अंकिता लोखंडे, अंकिता लोखंडे। यस, अच्छा टॉपिक है अंकिता लोखंडे। बिकॉज ऐसा है, ये अभिषेक कुमार बहुत ही बदतमीज इंसान है, बदतमीज इंसान है। सो ये रहा अंकिता लोखंडे का चेहरा। अंकिता लोखंडे हो सकता है टॉप थ्री में जाए, बट जो उन उसके और उसके हस्बैंड विक्की जैन के बीच में जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है भारत की जनता उनको टॉप थ्री में ना लेके जाए। हर जगह यही माहौल है सोशल मीडिया पे कि ये तीनों टॉप थ्री हो सकते हैं। थ्री में मनारा चोपड़ा या अंकिता लोखंडे का नाम आ रहा है, पर मैं एक पर्सन का नाम जरूर लेना चाहूंगा जो हो सकता है कुछ करामात हो जाए, टॉप थ्री में भी आ सकता है पर्सन, बट वो अभी तक जहां तक पहुंचा है, हैट्स ऑफ फॉर हिम, अरुण महाशेट्टी। क्या बंदा है, एक यूट्यूबर जिस जो एक 10 फॉलोवर्स लेके चला था, 100 पे इतनी खुशी मनाई और छोटी सी फैन फॉलोइंग लेके बिग बॉस के घर तक पहुंचा, और जहां तक लगता था कि वो पहले या दूसरे हफ्ते घर से बाहर चला जाएगा, वो अब तक टिका हुआ है, वो भी उन दिग्गजों के सामने जो जिनके जो ऑलरेडी एक अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, जिनको सारे लोग जानते हैं। अरुण महाशेट्टी, हैट्स ऑफ टू यू कि आप अभी भी वहां पे घर में टिके हुए हो, और प्रे करते हैं कि आप भी टॉप थ्री में हो। टॉप थ्री में क्या, बिग बॉस का विनर अगर हो सके तो शायद आप भी बन सकते हो। आगे देखते हैं।